सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसी काली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो ब्यूटीफुल इंडिया आज वही 21 से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट ब्यूटीफुल इंडिया। ब्यूटी ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है ब्यूटीफुल इंडिया 2021 इनक्रेडिबल एंड द अनएक्सप्लोर्ड इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं। Thank you.
बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, इतना बड़ा इंडिया, इतना खूबसूरत इंडिया, और जितना बड़ा है उतना ही कलरफुल है, उतने ही रिलीजन्स हैं, उतने ही कल्चर्स हैं, जैसे कि हमने पहले भी वीडियो, जितना बड़ा इंडिया, मतलब इंडिया के लोगों के दिल भी उतने बड़े हैं, वाकई ट्रेडिशंस देखते हैं हम और देखते हैं। बाकी आपने देखा कि उन्होंने कहा द कंट्री, द कलरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल अच्छा, दुनिया का सबसे ज़्यादा कलरफुल कंट्री, सबसे ज़्यादा लैंग्वेज इंडिया में, त्यौहार इंडिया में, कल्चर इंडिया में, इतनी तरह की नेशंस इंडिया में, हर तरह के लोग इंडिया में, इतने रिलीजन्स, और किस चीज़ को गिनवाएंगे? अच्छा मैं कहता हूँ कि इंडिया जो अभी हमने देखा, इसको बनाया कुदरत ने, यानी कि मैं कहता हूँ गॉड ने, कुदरत ने इनको एक तरह से गिफ्ट दे दिया, इतना खूबसूरत, यानी कि आप इसमें किस चीज़ की, आप मुझे कमी बता दें, नहीं है कमी, बिल्कुल आपको नहीं। आपको स्नोफॉल भी मिलेगा, तो आपको रेगिस्तान भी मिल रहे हैं, तो मिलेंगे, ग्रीन कमाल है, पहाड़ ऊंचे ऊंचे आसमान से बातें करते हुए दिखाई देंगे, तो मतलब ऐसी ब्यूटी मैंने किसी कंट्री में नहीं देखी। अच्छा अच्छा, लैंग्वेज 22,000 लैंग्वेज, 22,000 लैंग्वेज दुनिया में बोली जाती है, 22,000 लैंग्वेज, इतनी तरह की जबानें हैं इंडिया में, मतलब होती एक लैंग्वेज होती है मलयालम, मलयालम के अंदर कई लैंग्वेज हैं, ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज है तो पंजाबी भी मुख्तलिफ किस्म की हैं, अच्छा मराठी लैंग्वेज है तो मराठी के साथ साथ भी और उनकी मिलती जुलती लैंग्वेज भी है, दूसरी भी है, गुजराती है, गुजराती है तो गुजराती से थोड़ी सी हटके भी है, तो कहते हैं कि इंडिया में 22,000 ज़बानें बोली जाती हैं, मतलब आप तस्वुर करें कि यार कितना बड़ा इंडिया होगा, कितने कलर्स होंगे इंडिया के, कितने रंग होंगे, कितनी तरह की। अच्छा एक और बात मुझे पता चली, क्या तमिलनाडु में हमारी वीडियो नहीं समझी जाती, अच्छा हमारी जो हम अभी हिंदी में उर्दू में वीडियो बना रहे हैं, हम तमिलनाडु में हिंदी ही सही नहीं समझी जा रही, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हिंदी नहीं आती, हिंदी नहीं आती वहाँ पे, तमिल जबान ही तमिल जबान ही बोली जाती है, और हर बच्चे को बड़े को बूढ़े को सिर्फ वही जबान आती है तमिल, ठीक है, मतलब मुझे बड़ी हैरत हुई। अच्छा लेकिन ये नहीं, मुझे कई लोग मैंने पता है, मतलब ऐसा नहीं, वीडियो में देखा था कि उस वीडियो में बताया गया था कि ये मतलब इंडियंस की बहुत बड़ी गलत फहमी है कि वो अगर समझते हैं कि हिंदी उनकी नेशनल लैंग्वेज है, बताया गया था ना इसमें कि चाय का भी था उसमें जिक्र कि चाय यहाँ से नहीं मतलब निकली, और तो फिर उसके अंदर बताया गया था कि हिंदी इसलिए हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, अभी तक नहीं कहा गया इसको हमारी नेशनल लैंग्वेज है, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बहुत सारे सिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर हिंदी तो ना बोली जाती है ना समझी जाती है, उसको कैसे हम नेशनल लैंग्वेज कह सकते हैं? तो मुझे तभी थोड़ा आइडिया हो गया था, उसमें उन्होंने जिक्र भी किया था कि तमिल वगैरह जो है, तमिलनाडु जो कई इलाके ऐसे हैं, कई इलाके हैं, और तमिलनाडु का भी उसमें जिक्र था कि वहाँ पे प्रॉपर तमिल बोली जाती है, और वही तमिलनाडु बहुत बड़ा है, हमने पूरी एक वीडियो, बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा, हमने तमिलनाडु की पूरी वीडियो देखी थी जिसमें तमिलनाडु में जो इन फैक्ट्रीज और कारखाने, फैक्ट्रीज का चीज़ें, चेन्नई भी तमिलनाडु में आ रहा है, वही तो पड़ता है, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब अच्छा मैंने फैक्ट्री, तमिलनाडु को फैक्ट्री कहा गया था, इंडिया इंडियन की इंडियन फैक्ट्री। अच्छा मैंने चेन्नई का पहली बार जिक्र किया, सुना था या देखा था चेन्नई एक्सप्रेस, तो उसमें मैंने कुछ शॉर्ट्स देखे थे, कुछ सॉन्ग्स वगैरह में भी शॉर्ट्स थे, तो मुझे तभी वो बहुत मतलब अट्रैक्टिव लगा, बहुत खूबसूरत लगा था मुझे, कुछ शॉर्ट्स ही उसके इतने अट्रैक्टिव लग रहे थे फिल्म में, मूवी में, हाँ फिल्म में, ऐसी बात है तब तो मतलब ऐसा कोई मेरा रुझान भी नहीं था इंडिया की तरफ इतना, तो मैंने तब देखा था, और मैं बता रही हूँ ना कि मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी ये चीज़ें, बिल्कुल उनके सिटीज़, उनकी जगहें बहुत अट्रैक्ट करती थी। अच्छा मैं सोचता था कि जैसे वो मूवी में दिखाया गया था दूध सागर, अच्छा दूध सागर वो था चेन्नई एक्सप्रेस में, दूध सागर दिखाया गया था गोवा का, तमिल में, तो उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने ये दिखाया था, तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद इंडिया में कोई एक आध, नहीं नहीं सच लगा था, अच्छा मैंने ये सोचा था कि शायद इंडिया में कोई एक आध ऐसी जगह होगी बड़ी खूबसूरत जहाँ पे जाके मूवी के कुछ शॉट लिए गए हैं, लेकिन वो रियल जगह हैं, और इस तरह की कई खूबसूरत जगह इंडिया में हैं, कई ट्रेनों के सफ़र इस तरह के खूबसूरत हैं जो हमने ट्रेनों के सफ़र किए, हमने देखे वीडियोस वगैरह में, तो उसके बाद अब मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि इस तरह की तो बेशुमार चीज़ें हैं इंडिया में। अच्छा इसे आपने वीडियो में देखा, एक चीज़ पे बड़ा मतलब फोकस किया गया था और एक अटेंशन दिलाई है आपकी कि अनएक्सप्लोर्ड इंडिया, बिल्कुल ये वो जगहें थी जिनको एक्सप्लोर नहीं किया गया अभी तक, लेकिन वाकई बहुत खूबसूरत, वाकई इतनी ब्यूटीफुल प्लेसेज हैं, इतनी ब्यूटीफुल जगहें, इतनी ब्यूटीफुल सिटीज़, और इनको एक्सप्लोर नहीं किया गया, बड़ी हैरान कुल बात है। लेकिन ये है कि आज हमने देखा, अच्छा हम जब भी एक बात मैं नोट करता हूँ
कि हम जब भी इस तरह की कोई वीडियोस देखते हैं हमें मतलब नया ही लगता है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमने वाकई इसको नहीं देखा। अच्छा, इतना मैं आपका सेंटेंस रिपीट करूं, हमें नया नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैं नई हो गई हूँ, मतलब बड़ा फ्रेशनेस फील हो रही होती है और ऐसी चीज़ों को ऐसी अच्छा, हमने कहीं बहुत सारी जगहों को देखकर मुझे ऐसा लगता है, एक तो मैं अट्रैक्ट बहुत होती हूँ और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट अपनी बात बताऊंगी कि मेरी जो थकन या मैं मतलब टायर्डनेस जो हो रही होती है ना, ऐसी वीडियो कोई भी देख लेती हूँ ना एक आधी, तो उसके बाद मैं बहुत फ्रेश फील कर रही होती हूँ कि वाकई। और मैं कहता हूँ कि हम इतनी वीडियोस देखी हैं, कई पहाड़ ग्रीनरी ये चीज़ें, बोर नहीं होते तो ऐसा नहीं लगता कि यार ये तो देखा था बोर नहीं होते, फेड अप नहीं होते कि यार। हालांकि वो सिटी हमने बेशक देखा है लेकिन जो भी फुटेजेस हमारे पास आते हैं, इतना बड़ा इंडिया है, इतनी फुटेजेस हैं या इतना एक्सप्लोर करने के लिए इतनी चीज़ें हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमने दोबारा नई वीडियो देखी है और प्रॉपर उस वीडियो से मैच नहीं करते। अच्छा, पता है मैं कभी कभी ऐसे ही सोचती हूँ कि जब से इंडिया वगैरह की बातें करने लग गई हूँ, इंडिया की बातें करने लगी हूँ, तो मेरे अक्सर जहन में ना कोई थॉट आता है सही कि ना वो इंसान की लास्ट विश होती है ना, अगर कोई मुझसे मेरी लास्ट विश पूछे ना तो मैं बोलूंगी मैं इंडिया का चप्पा चप्पा घूमना चाहती हूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा एरिया भी ना हो जो मैंने अपनी आंखों से ना देखा। जब आप थोड़ा सा घूमेंगे तो लकड़ी आपके हाथ में होगी कि मैंने शायद एक स्टेट भी एक्सप्लोर कर लिया, घूम लेना, उसके बाद पता नहीं क्या हालात होंगे इनके हाथ, हो सकते हैं इनके हाथ में स्टिक हो, लेकिन मैं माशाल्लाह से सेट होऊंगा, जवान होऊंगा, खूबसूरत होऊंगा। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी, तमिलनाडु ऐसा स्टेट है जिसको मैंने पूरा भी मतलब एक्सप्लोर कर लिया ना, तो बड़ी बात है। बिल्कुल, तो बहुत खूबसूरत वीडियो थी, बहुत ही जबरदस्त। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।